हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपिका। क्विक एंड सर्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक और इजी बनने वाला पनीर स्टार्टर। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 चम्मच पानी डाल देंगे। हमें इसका एक थिक पेस्ट तैयार करना है। अब हम इसमें 200 ग्राम पनीर को लंबे पीसेस में काट कर डाल रहे हैं। पनीर को अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे और अब हम गैस पर रखेंगे पैन, और जब पैन थोड़ा गर्म हो जाए तो उसे रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं और फिर हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। हम इसे बहुत ही कम तेल में बना रहे हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी ब्रशिंग करेंगे और साइड चेंज करेंगे। जिससे ये चारों साइड से अच्छे से रोस्ट हो जाएं। लीजिए, हमारे पनीर रोस्ट हो गए हैं। इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें टूथपिक लगा रहे हैं, जिससे ये सर्विंग करने में और खाने में बहुत ईजी रहता है। देखिए, अभी से इतने अच्छे लग रहे हैं। अब हमें इसे और डिलीशियस बनाने के लिए गैस पे फिर से रखेंगे पैन, आधा छोटा चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच तिल डालेंगे, 2-3 लहसुन की कलियां डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस का डालेंगे, 1 चम्मच टोमेटो सॉस का डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, जिससे हमारी सॉस इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमारे डिलीशियस पनीर स्टार्टर बनकर तैयार हैं। ऊपर से आप इसे चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।